जानलेवा कोविड 19 से त्रस्त दुनिया कब लेगी राहत की सांस? कब मिलेगी कोरोना को खत्म करने की वैक्सीन? कब थमेगा कुदरत का कहर? चार दीवारी में सिमटी लोगों की जिंदगी कब होगी बहाल? इस पर क्या कहती है सुप्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा शोका जी की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। देखिए, कोरोना वैक्सीन के लिए मैंने बहुत पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि कोरोना की वैक्सीन AI यू इनिशियल की कंट्रीज से ईजाद होगी, जिसमें भारत की भूमिका, भारत के साइंटिस्ट की, भारत के वैज्ञानिकों की भूमिका मुख्य होगी। और आपको सितंबर अक्टूबर में कोरोना से फाइट करने की वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। तो मैंने अपनी ये भविष्यवाणी में साफ बोला है कि सितंबर अक्टूबर के बाद भारत की अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आना शुरू हो जाएगी। हमने जो भविष्यवाणी फागू से की थी 2024 के इलेक्शन के लिए, लोकसभा इलेक्शन के लिए, उसमें भारत की अर्थव्यवस्था पर जो भविष्यवाणी की गई थी, उसमें ये साफ बताया था कि 2021-22 में जो सुधार होंगे, 2022-23 में आर्थिक रूप से भारत बहुत तेजी से उन्नति करेगा और 2024 तक आते आते भारत विश्व की 5 महान शक्तियों में भारत का नाम दर्ज होगा। से ऊपर लोग मर चुके हैं। कोरोना के जो डरावने आंकड़े हैं, ये 21 जून का जो सूर्य ग्रहण है, उसके बाद ये बहुत जल्दी जल्दी घटना शुरू होंगे और पूरे विश्व में सितंबर अक्टूबर तक कोरोना का जड़ से खात्मा हो जाएगा। इसलिए आप लोग परेशान ना हो। देखिए, कुदरत का कहर, चक्रवाती अम्फान और कोरोना का कहर और पाकिस्तान की तरफ से आए टिड्डियों के दल के कारण फसलों का जो नुकसान है, उसके बारे में मैंने बहुत पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि कलयुग में यांत्रिकी ज्योतिष गणना को सरल बना देगी। प्रत्येक दूसरा व्यक्ति भविष्यवक्ता होगा। आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग भौतिकवाद में होगा। शास्त्रोक्त विवेचन वक्त की कसौटी पर खरे नहीं उतरेंगे। मलेच्छ राज होगा। मलेच्छ ग्रह शनि, राहु, केतु क्रमशः बलवान होंगे। आप देखेंगे कि ये जो कोरोना महामारी आई है, शनि, राहु, केतु ग्रहों के कारण ही ये महामारी आई है। इनकी जो परस्पर रिलेशन और इनकी परस्पर स्थिति के कारण ये पोजीशन आई है, जिसको मैं डिटेल में बता चुका हूं। प्रकृति भी अनियमित हो जाएगी। प्राकृतिक आपदाएं, कीट पतंगों के कराल से, असहनीय कष्टों से जीव मात्र दुखी होंगे। अब देखिएगा, टिड्डियां जो हैं और प्रकृति अनियमित होने का मतलब जो ये तूफान और जो भूचाल, ये चीजें जो आ रही हैं, चक्रवर्ती तूफान जो आया है जिससे बहुत मालहानि हुई है, एवं ये टिड्डी दल कीट पतंगों के कारण, कीट पतंगों के कराल से, असहनीय कष्टों से जीव मात्र दुखी होंगे,
और इसमें क्षणिक ध्यान साधना पूर्ण फलदायी होगी। गूढ़ गुप्त विद्याओं का प्राकट्य होगा। ये आज से 10 साल पहले मैंने जो मेरी सुदर्शन चक्र ज्योतिष चार्ट है उसके लास्ट वाले पेज पे मैंने ये प्रेडिक्ट कर दिया था। जिन लोगों के चार्ट 2010-11 में बने हैं उनके पास ये सारी रिटर्न में उनके चार्ट के पीछे पढ़ेंगे तो ये सब चीज आपको मिल जाएगी। इसमें मैंने एक चीज ये बताया कि क्षणिक साधना से आपके कष्टों का निवारण होगा और क्षणिक साधनाएं जो है पूर्ण फलदायी होंगी। अब ये कोरोना से जो जनमानस त्रस्त है तो उनको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रकृति की पावर को प्राप्त करने के लिए उनको साधना मिल्स भगवान का स्मरण करना और स्वस्थ शरीर रखने के लिए योगा करना और मेडिटेशन करना ये बहुत जरूरी है। आप अगर ये तीनों चीजें करते हैं तो आपको ये जो कीट पतंगों से और जो आपका वायरल इन्फेक्शंस हैं इनसे मुक्ति मिलेगी, आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी। साधना से और फिजिकल एक्सरसाइज से, योगा से और मेडिटेशन से आपकी जो है इम्यून पावर बढ़ेगी और आप इन बीमारियों से लड़ने में सक्षम होंगे। इसलिए इनको करना आपके हित में है। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना संकट के इस दौर में मेरी विश्व के अनेक नेताओं से बातचीत हुई है, लेकिन मैं एक सीक्रेट जरूर आज बताना चाहूंगा। विश्व के अनेक नेताओं की जब बातचीत होती है तो मैंने देखा इन दिनों उनकी बहुत ज्यादा दिलचस्पी योग और आयुर्वेद के संबंध में होती है। कुछ नेताओं ने मुझसे पूछा कि कोरोना के इस काल में ये योग और आयुर्वेद कैसे मदद कर सकते हैं। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जल्द ही आने वाला है। योग जैसे जैसे लोगों के जीवन से जुड़ रहा है, लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता भी लगातार बढ़ रही है। अभी कोरोना संकट के दौरान भी ये देखा जा रहा है कि हॉलीवुड से हरिद्वार तक घर में रहते हुए लोग योग पर बहुत गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं। हर जगह लोगों ने योग और उसके साथ साथ आयुर्वेद के बारे में और ज्यादा जानना चाहा है, उसे अपनाना चाहा है। कितने ही लोग जिन्होंने कभी योग नहीं किया वे भी या तो ऑनलाइन योग क्लास से जुड़ गए हैं या फिर ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से भी योग सीख रहे हैं। सही में योग कम्युनिटी, इम्यूनिटी और यूनिटी सबके लिए अच्छा है। साथियों, कोरोना संकट के इस समय में योग आज इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि ये वायरस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को सबसे अधिक प्रभावित करता है। योग में तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने वाले कई तरह के प्राणायाम है जिनका असर हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं। ये टाइम टेस्टेड टेक्निक्स हैं जिसका अपना अलग महत्व है। कपालभाती और अनुलोम विलोम प्राणायाम से अधिकतर लोग परिचित होंगे, लेकिन भस्त्रिका, शीतली, भ्रामरी जैसे कई प्राणायाम के प्रकार है जिसके अनेक लाभ भी है। वैसे आपके जीवन में योग को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने भी इस बार एक अनोखा प्रयोग किया है। आयुष मंत्रालय ने माय लाइफ माय योग नाम से अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग उसकी प्रतियोगिता शुरू की है। भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको अपना 3 मिनट का एक वीडियो बना करके अपलोड करना होगा। इस वीडियो में आप जो योग या आसन करते हुए वो करते हुए दिखाना है और योग से आपके जीवन में जो बदलाव आया है उसके बारे में भी बताना है। मेरा आपसे अनुरोध है, आप सभी
इस प्रतियोगिता में अवश्य भाग लें और इस नए तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आप हिस्सेदार बनिए।